हाय गाइस, दिस इज मी योर फेवरेट एके आर एंड यू आर वाचिंग ऋषि कुमार ऑन YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टकटक होंगे। हम भी मस्त बढ़िया टकटक है। उसी का सुबह के बज गए 10 और हम आ गए जिम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम लोगों ने डायरेक्ट जिम से, क्योंकि मैंने सोचा सुबह सुबह एक बार वर्कआउट कर लेते हैं, बिकॉज कल रात को ज़्यादा अच्छा वर्कआउट हो नहीं पाया था क्योंकि टाइम था थोड़ा कम। मैं जल्दी से गया और जल्दी से वापस घर आ गया था, तो इसलिए पूरा वर्कआउट कम्प्लीट नहीं हो पाया था। इसलिए मॉर्निंग में आ गए, सही से अपना मस्त वर्कआउट करते हैं एंड देन लेट्स गो होम, ईट समथिंग हेल्दी एंड कंटिन्यू विद आवर डे। सो गाइस, मेरा वर्कआउट होता है खत्म। आज मैंने अकेले नहीं करा, तो मैंने सिर्फ बाइसेप एंड ट्राइसेप करे, हल्का फुल्का थोड़ा सा बहुत कार्डियो करा बस याद से। सो अभी पता मॉर्निंग में एनर्जी लग भी नहीं रही थी, बट कल हमारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया था इसलिए सुबह आ गया। बट चलो यह सही है, दिन की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो गई। अब हमें मार्केट से कुछ सामान लेना है, उसके बाद सीधा घर पहुँचना है। सो गाइस, फाइनली घर आ चुके हैं और मैंने मार्केट काम भी कर लिया। देखो मैं मार्केट से करके लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये एग्स, तो पूरी ट्रे लिया है एग्स की, तो एग्स। उसके बाद मैंने लिया था पोहा, ये है पोहा और ये है मूंगफली। तो ये इन दोनों की एक डिश बनती है, पोहा मूंगफली डाल के बनाता हूँ। ये हो गया एग्स, हो गए। एक और चीज़ थी बनाना, बनाना था गाइस। सबसे थर्ड चीज़ मैंने ली थी बनाना, केले। सो यस, ये हो गया हमारे डाइट का काम पूरा। अब बस नाना धोना और दूसरे काम में लग जाना। देख ले अदबे को खिला दो, अदबे देखो मेरे ऊपर क्या कर दिया, मेरे ऊपर ही हक दिया यार। जो इंसान ऐसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसके ऊपर ही हक देता है यार। देखो इसने मेरे ऊपर ही पोटी कर दी और बेड पे तो पूरा रंग दिया इसने आज। तो भाई लोग, अभी बज रहे दोपहर के 2। फाइनली मैं नहा धो के फ्रेश एकदम मस्त होकर बैठ गया। अब है टाइम खाने का। सो अभी तो मैं खा रहा हूँ 2 रोटी और थोड़ी सी मूली की सब्जी को। उसके बाद मुझे खाने हैं 2 एग्स और 1 कटोरी पोहा। तो ये मेरी आफ्टरनून की मील होने वाली है, जिसके अंदर सब कुछ हो जाएगा, मतलब कार्ब भी हो जाएंगे, गुड फैट भी हो जाएंगे, प्रोटीन भी हो जाएगा, पोहा वगैरह सब कुछ, तो मतलब जो इतना भी कंटेंट चाहिए होता है सारा मिल जाएगा। पर एक बहुत मजेदार बताता हूँ, सुबह जब मैं केले लेने गया था ना बनाना शेक बनाने के लिए, तो जिन अंकल से मैं केले था उन्होंने मुझे 5 ना छोटे छोटे वाले केले खिला दिए ऐसे कि चलो भाई, कि मैंने कहा ये तो अंकल जी पीले पीले तो अच्छे लग रहे हैं, तो कह रहे हो आपको लाओ मीठा केला खिलाता हूँ। तो उन्होंने मुझे 5 केले खिला दिए वैसे ही एवं, तो बट वो सही था, मतलब स्वीट अंकल जी। मैं हमेशा उनके पास जाता हूँ जब भी सामान लेना होता है। बट फिलहाल ये है कि नहा धो के अपन को फ्रेश। एक बस बैड न्यूज़ है कि अपने यहाँ पर ना लाइट जा रखी है, तो अभी लाइट चलेगी तो अपन सिस्टम नहीं ऑन कर सकते, फोन वगैरह भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फोन के अंदर बैटरी कम है और चार्जर यहाँ पे चल नहीं रहे। मतलब जो हमारे इन्वर्टर वो तो चल रहा है, बट उससे लाइट पंखे चल रहे, पावर सॉकेट्स नहीं चल रहे। बट चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कुछ खाते हैं पहले। तो रोटी सब्जी खाने के बाद ये है मेरी नेक्स्ट मील, ये है पोहा। इसके अंदर 100 ग्राम ऑफ पोहा होगा और इसके साथ मैंने डाली है पीनट्स, थोड़े से अनियन और थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, धनिया डाला है। तो यस, दिस इज माई सेकंड मील। अब मुझे अंडे बॉयल होने के लिए रखने हैं, बट मुझे एक अंडा ना अद्विक को भी देना, तो वो अभी गया बाहर मम्मी और दीदी के साथ, तो जब वो वापस आएगा तब मैं अंडे बॉयल करूंगा। सो गाइज, अभी हो रही है शाम, शाम के बज गए ऑलमोस्ट 5:30 और भाई अब तक लाइट ही नहीं आई है। पूरी दोपहर में लाइट नहीं थी और अब पूरी शाम लाइट नहीं है, पता नहीं लाइट कब आएगी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे घर पे ऐसे लाइट जल नहीं रही है, लाइट तो इन्वर्टर जल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं जैसे फ्रिज नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, मेरी मशीन नहीं चल रही और बाकी ओवन वगैरह नहीं चल रहे, फोन चार्ज नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई फोन चार्ज होना। बिकॉज लाइट और फैन तो इन्वर्टर के ऊपर है, बट जो पावर पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें सॉकेट होता है जिसके अंदर प्लग्स लगते हैं, वो नहीं चल रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ी वाली बीटी हो गई यार ये तो। और लाइट के बिना ना, मतलब ऑल दो ऐसे लाइट्स वगैरह पंखे वगैरह तो चल रहे हैं, बट ऐसे लाइट नहीं आ रही ना, तो ऐसा खाली खाली सा लग रहा है ना, कर जैसे कुछ करने के लिए ना हो। भाई तू गिरता क्यों जा रहा है? 2 बार ही गिर चुका, क्या हो गया, तेरा दिन खराब है क्या? 2 बार ही गिर चुका, चलते चलते गिरता जा रहा, पी के आया क्या कुछ? तो भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे फ़ोन में बैटरी सिर्फ और सिर्फ 12%, आईफोन की बैटरी बहुत जल्दी उड़ जाती है और चार्जिंग का कुछ सोल्यूशन है नहीं। सो आज देखते हैं ब्लॉग कैसे कंप्लीट होगा। सो गाइस, अब जाके हमारे घर में लाइट आई है और उसके बीच में मैं और दर्श भाई चले गए थे बाहर घूमने कुछ खाने पीने। सो अब फाइनली लाइट आ गई है, अब चलते हैं घर में, देखते हैं क्या सीन है। और सबसे पहले फोन चार्जिंग पे लगा, उसे 3% बैटरी है। सो गाइस, देखो क्या कमाल की चीज आई है, ये है अफगानी मोमोज, क्या मस्त क्रीम है, मोमो है, उसके ऊपर से ये लच्छे डाल रखे हैं। सो भाई क्या मजेदार चीज लग रही है, खा लेते हैं, क्योंकि मुस्कान लेके आई है सेक्टर 7 से, द्वारका सेक्टर 7 से अफगानी मोमोज। सामने चल रही है सलमान भाई की मूवी अंतिम और यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, सलमान भाई की फेवरेट डिश वो है बिरयानी, चिकन बिरयानी। सो यस, आज हम खाने वाले चिकन बिरयानी, मस्त, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट, वो भी किसके साथ, हमारे भाई के साथ, सलमान भाई। सो गाइस, पूरा ही दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहा, जिसकी वजह से हम लोग अपनी एडिटिंग का तो कोई कुछ खास काम कर नहीं पाए, वैसे अब कोई इतना कुछ खास बचा भी नहीं था,
एक प्रोजेक्ट पूरी कंप्लीट तरीके से फाइनल हो गया, बहुत जल्दी रिलीज में होने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट मैंने अपनी तरफ से भेज दिया और वहाँ से एक बार अप्रूवल आना, उसके बाद सब डन हो जाएगा। तो कुछ मेजर ऐसा रहा नहीं, बस जो आगे के शूट्स प्लान हो रहे उनको लेकर थोड़ी सी वो चल रही थी, बातें चल रही हैं, तो बस उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बाकी आज पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो यार उस चीज़ का बड़ा परेशानी हुई, बिकॉज मन ही नहीं लग रहा था, ना टीवी चलता, ना कुछ होता, ना वाईफाई भी नहीं चलता। इनफैक्ट जब बिजली चली जाती है ना, लाइट चली जाती है, तो वो भी नहीं चल रहा था। फिलहाल का टाइम अभी हो चुका है अराउंड 11:30, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं फिर सोने चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर लिए, लोअर पहन लिया, शॉर्ट्स पहन ली। सो अब करना है क्या, सबसे मेन चीज़ एलोवेरा लगानी है। सो एलोवेरा चल ले लेते हैं। मैं मम्मा अर्थ का यूज़ करता हूँ, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप चाहो तो नेचुरल भी यूज़ कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट यस मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता दिया। भाई से बहुत फ़र्क पड़ता है, जब सुबह उठते हैं ना चेहरे का मस्त क्लीन हो जाता एकदम, ना हल्की हल्की से वो लगती है जलन जलन सी लगती है, क्योंकि वो जो आपकी ड्राई स्किन होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, उसको जब रिएक्ट करती है ना उसकी वजह से। बाकी सब ठीक है, तो आप लोग लगा के देखना असर हो तो भाई की वीडियोस कैसी, लाइक करते रहना। डन। सो गाइस फाइनली भी टाइम हो चुका है 12:30, एलोवेरा जेल मैंने लगा ली, हल्की सी ऑयलिंग मैंने कर ली, नाउ आई एम रेडी टू स्लीप। और यस भाई, तो कई दिनों के बाद, मतलब कई बीच में ना काफ़ी सारा टाइम ना एडिटिंग पे जा रहा था, सो यस काफ़ी दिनों के बाद मस्त एकदम जल्दी जल्दी सोने को मिल रहा है, तो फटाफट सो जाते हैं। और कल कोशिश करेंगे कल मॉर्निंग में भी जिम जाएँ, क्योंकि आज मॉर्निंग गए थे तो पूरा दिन फ्री रहा था, तो फुल मस्ती वस्ती करी थी, खाए पिए, दक्ष भाई के साथ घूमे, मज़ा आया था। तो यस अभी कोशिश करेंगे कल का जो है ना, कल भी मॉर्निंग में चले जाएँ, वर्कआउट करके मस्त फ्री हो जाएँ, उसके बाद फुल मस्ती वस्ती करें, खाएँ पिएँ, अद्वी के साथ खेलें, फुल टाइम दे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है, मॉर्निंग में जिम जाके ना तो फ्री हो जाता है मामला आगे तक के लिए। सो यस इसी बढ़िया से नोट के साथ इस ब्लॉग को मैं ही एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ दबा दें बेल आइकन, ताकि आपको मुझे नोटिफिकेशन रोज सुबह 10 बजे भाई का ब्लॉग आ जाएगा देखना। बाय।